हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ राज गौरव और आज मैं दुर्गापुर आया हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह पंडाल बना हुआ है। तो अभी तो पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, देख सकते हैं आप लोग, पूरा गीला हुआ पड़ा है। तो इस वक्त हम लोग दुर्गापुर पहुँच चुके हैं और ये हम लोग का गाड़ी। तो चलिए ले चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का पंडाल कैसा बना हुआ आप लोगों को दिखा। इस वक्त हम लोग दुर्गापुर का मारकोनी जो एक जगह है वहीं पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर पंडाल बनता है, वो आप लोग का भी दिखाएंगे आगे, देख सकते हैं आप लोग नज़ारा। ये पूरा घड़े से बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा घड़े को एक साथ सजा के बनाया गया ये जो पंडाल है दुर्गा माता का। नज़दीक से देखिए काफ़ी बारीकी से इसको सजाया गया। सब लोग देख सकते हैं अभी हम लोग पंडाल के अंदर घुस चुके हैं। तो कैसा नज़ारा है यहाँ पे आप लोग देखिए, जितना खूबसूरत बाहर से लग रहा था उतना ही ज़्यादा खूबसूरत अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए दुर्गा माता का भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दुर्गा माता का स्टेचू लगाया गया है। मेला आपको हर पंडाल के बाहर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो इस वक्त पहुँच चुके हैं बुद्ध विहार दुर्गापुर, यहाँ का पंडाल देखते हैं कैसा है। तो सारा पंडाल एक एक करके कवर करेंगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का किस तरह से बनाया गया है पंडाल, जंगली लोगों के थेम पे, आदिवासियों के थेम पे बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ आदिवासियों के थेम पे बनाया गया ये पंडाल। तो इस वक्त पहुंच चुके हैं सीजोन दुर्गापुर का पंडाल, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये है सीजोन, इस जगह का नाम है सीजोन और यहाँ ऐसा पंडाल बना है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस वक्त और एक पंडाल पहुँच चुके हैं डेविड मोड़, चलिए दिखाते हैं वो आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत पंडाल बना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। आप लोग देख सकते हैं अंदर इस तरह का नज़ारा देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस वक्त डेविड मोड़ से हम लोग सेपको मोड़ पहुंच चुके हैं, अब यहाँ का पंडाल आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत सारा पंडाल कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए नज़ारा बस आप लोग, और देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को। काफ़ी सुंदर सुंदर पंडाल यहाँ पर बना है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। अब चलते हैं अंदर की ओर। तो इस वक्त हम लोग फुलजोड़ पहुंच चुके हैं, यहाँ का भी पंडाल आप लोग देख लीजिए कैसा है, देख सकते हैं ये है पंडाल फुलजोड़ का, काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, देख सकते हैं आप लोग। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। तो इस वक्त हम लोग मामड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ का पंडाल भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्विड गेम वाला पुतला है, और यहाँ का जो पंडाल है देखिए आप लोग नज़ारा कितना खूबसूरत है, और पूरा बांस से बनाया गया है ये पंडाल। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा बांस है जिससे ये पंडाल बनाया गया है। देख सकते हैं इस तरह से भोले बाबा बनाया गया है, भोले बाबा का ये मूर्ति है देख सकते हैं, और पूरा बांस से बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस वक्त हम लोग मनोरमा स्वीट्स में हैं, यहाँ पे पाव भाजी खाएंगे, दिखाते हैं यहाँ पे कैसा बनता है। देख सकते हैं यहाँ पाव भाजी तैयार हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं चतुरंगा, जहाँ पे अभी पंडाल दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ भी बहुत सुंदर पंडाल बना है। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ स्टेज शो मिला हम लोग को, यहाँ स्टेज शो चल रहा है। तो ये है चतुरंगा दुर्गा मंदिर, यहाँ मिट्टी से बनाया गया है जो पंडाल है देख सकते हैं, और देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है यहाँ पे। अभी यहाँ चढ़ के आप लोगों को दिखाएंगे, ऊपर देख सकते हैं बांस, पुराने ज़माने का घर टाइप सा बनाया गया है। अब देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे दुर्गा माता का स्टेचू बनाया गया है, और चारों तरफ मिट्टी से ही घर टाइप सा बनाया गया है। तो यहाँ आप लोग अभी देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है यहाँ का जो थीम है। तो इस तरीके से बहुत सारा बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं अगर दुर्गा मेला देखना है तो इस तरह कीचड़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस वक्त हम लोग चतुरंगा में हैं, इन कीचड़ों से चलते हुए आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा जगह मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, भिरंगी नाम है इस जगह का। यहाँ का पंडाल आप लोग देखिए, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो ये है वो मीठा फल, सुंदर सा पंडाल आप लोग भी देखिए, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वक्त आप लोगों को यहाँ अंदर लेके चलेंगे, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए आप लोग अंदर लेके चलते हैं, यहाँ देखते हैं कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का अद्भुत नज़ारा है ना, अद्भुत है ना, मस्त, बहुत ही सुंदर है देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का आप लोगों को मेला दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चारों तरफ से इस तरह का मेला आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, और खाने का भी स्टॉल ऐसे लगा हुआ है, आप ऐसा निशाने बाजे कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग दुर्गापुर से आसनसोल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बुर्ज खलीफा बना है जो दुबई में है बुर्ज खलीफा। तो यहाँ बुर्ज खलीफा का पंडाल बना है, वो आप लोग देखिए बहुत सुंदर है, एग्जैक्ट उस तरह से तो नहीं बन पाया लेकिन बहुत ही सुंदर बना है, आप लोग देखिए। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है ये बुर्ज खलीफा, और ये पंडाल बना है आसनसोल में, बहुत ही सुंदर है। आपको वीडियो में उतना सुंदर पता नहीं चल रहा होगा, पर सामने से काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बुर्ज खलीफा के अंदर का नज़ारा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। Let